तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं विजय स्तंभ को देखने, क्योंकि हमने वहाँ पे तो देख लिया था। फाइनली हम आ गए विजय स्तंभ, तो यहाँ से निकल के और देखो बंदर कितने सारे बंदर है यहाँ पे। तू इधर साइड बोल, थप्पड़ वगैरह दे लेंगे, यहाँ से एक बार विजय स्तंभ देखो आप लोग यार। तो यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो यहाँ पे इस दुर्ग का ना 7 प्रवेश द्वार है। तो सबसे पहला जो प्रवेश द्वार आता है तो ये है, ये पांडल फॉल है। तो इसके बाद जैसे इसको प्रवेश करके अंदर चलेंगे तो सेकंड नंबर का जो आता है तो ये वाला है, ये भैरव फॉल है। और इसके बाद जो तीसरे नंबर का आता है ये आता है ये वाला हनुमान फॉल है, क्योंकि यहाँ पे हनुमान मंदिर है तो इसलिए इसका हनुमान फॉल नाम है। तो यार इस प्रवेश द्वार को हम पार करके धीरे 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 चलेंगे, बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत ही कठिन रास्ता है, इसे घुमावदार रास्ता आएगा। तो इसके बाद जो चौथे नंबर का आता है तो ये जैसे ऐसे घुमाव करके आएगा तो ये चौथे नंबर का आता है गणेश पोल। तो ये है ये वाला गणेश पोल है 4 नंबर का। तो इसको भी जैसे अपन पार करके और चलेंगे तो ये आएगा जोरला पोल, देखो जोरला पोल है। तो 5 प्रवेश द्वार हो चुके, अभी भी अपन को चलना है और ऊपर धीरे धीरे, मतलब बहुत ही ज़्यादा घुमावदार, तो एक तो है ना घुमावदार रास्ता है, बहुत ही कठिन रास्ता है क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। तो इसके बाद जो 6 नंबर का आएगा ये लक्ष्मण पोल है, सॉरी लक्ष्मण दरवाजा है ना, लक्ष्मण पोल, हाँ मैं थोड़ा सा चूक गया था। तो अभी भी और अपन को ऊपर जाना है, बहुत ज़्यादा साधन है यहाँ पे है ना, और बहुत ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं पुराने। तो ये जो 7 नंबर का है ना, तो यार है ना ये है रामपोल, ये रामपोल जो लास्ट प्रवेश द्वार है रामपोल है। यार जैसे हमने रामपोल पार किया ना तो यहाँ पे बनी हुई थी बहुत ज़्यादा कॉलोनी। तो ये कॉलोनी है ना जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो योद्धा थे तो उन्हीं के वंशज है, तो इनके घर है यहाँ पे, ये बहुत सारी कॉलोनी बसी हुई है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टिकट घर पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और गाड़ी को यहाँ पास में पार्किंग कर देते हैं। और ये देखो सामने टिकट घर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें लेना होगा टिकट। तो हम सब एक एक करके टिकट ले लेते हैं और यहाँ पे है ना पूरा जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना उसका ये नक्शा बना हुआ है और ये यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में लिखा हुआ है बहुत सारी। तो एक बार आप लोग यहाँ पे रीड कर लो, मैं सब कुछ दिखा देता हूँ। चित्तौड़गढ़ जो पूरा इतिहास है ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर गाइस हम 6-7 जने तो हमें ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी, अगर एक दो जने होते ना तो हमें यहीं से टिकट मिल जाती। हेलो गाइस गुड इवनिंग, कैसे आप सब आए हो, बच्चे होंगे, स्वागत है आपका फिर से आ रहे सारे व्लॉग में। जैसे कि आप लोगों को पीछे से नजारा दिख रहा होगा गाइस कितना ब्यूटीफुल है। तो यार यहाँ पे फोटो वोटो शूट हो रहा है, फोटो शूट होने के बाद क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू है, फिर चलेंगे यहाँ ओके इधर किले पे आगे। तो यार गाइस जो ये सामने दिख रहा है ना तो ये है महाराजा रतन सिंह का महल। तो हम आ चुके हैं महाराजा रतन सिंह के महल पे, यहाँ पे गार्ड साहब लगे हुए हैं। तो यहाँ पे है ना जो टिकट लिया था हमने बाहर तो वो टिकट यहाँ पे दिखाना पड़ता है, इसके बाद एंट्री मिलती है। तो देखो ये तो चले गई, इनको तो कोई मतलब है ही नहीं ना इनको तीनों को, तो क्योंकि ये तो सब निकल गए। टिकट तो हम लोगों को चेक करवानी पड़ेगी, तो हम टिकट चेक करवा के फिर हम भी चलते हैं। और एक बार यहाँ से व्यू देखो दिखाना, क्योंकि पूरा जो ये जो दुर्ग है ना यार अब क्योंकि बहुत ही पुराने हैं तो थोड़े थोड़े से खंडर हो चुके हैं, पर अभी भी है ना बहुत सारी चीज़ें बची हुई है और यहाँ पे बहुत सारे मतलब देखने के लिए आते हैं दूर दूर से, क्योंकि यार जो पुरानी ऐतिहासिक जो चीज़ें होती है ना तो इसको देखने का तो हर कोई इंसान इच्छुक होता है। तो चलते जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे है ना रानू और मैं दूसरी बार आए हैं, एक बार पहले आए थे जब हम ब्लॉग नहीं बनाते थे, और एक बार आ जाए। अभी तो देखो रानू रील बनाने के लिए परेशान हो रही है, पता नहीं गाने क्या क्या ढूंढ रही है, और यहाँ पर नेट नहीं चल रहा। और एक बार यहाँ से व्यू देखो क्या ही मस्त व्यू है। अभी वो जो क्या बोलते हैं कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ वो उधर है, तो उधर चलेंगे, उधर बहुत आगे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे घूम लेते हैं, और ये क्योंकि इतना सा हो गया है ना इसमें सांस भरने लग गया, क्योंकि ये पुराने जो घर सॉरी जो भी इनके महल वगैरह बने हुए थे ना तो ये तो बिल्कुल अब ख़त्म हो गए, बस ओनली दीवारी दीवारी बची हुई है। देखो ये सामने दिख रहा है ये है मीरा बाई का मंदिर है क्या नहीं है। ओके लेट्स गो, ये बड़ी पोल एक ही गेट आ गया यहाँ पे बड़ी पोल, तो चलते हैं। पता है यार गाइस देख के मतलब ये सब कुछ देख के ऐसा लगता है ना कि मतलब उस टाइम पे कैसे अलाउद्दीन खिलजी इन सबको पार करके आ गया होगा यार, इतने बड़े बड़े गेट है। और देखो यहाँ पे आना गाय कुत्ते वगैरह सब मतलब आना दुकानें वगैरह लगी हुई है, ऐसा मार्केट जैसा लगता है कि मतलब इतना बड़ा दुर्ग है ना ये, बहुत ज़्यादा 700 क्या पता मेरे को नहीं पता, पर एक सिटी के बराबर फैला हुआ है। वो कहते हैं यार अपने राजस्थान में कहा होते हैं कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बाकी सब गढ़ैया, ऐसा कुछ वास्तव में रियलिटी यार इतना बड़ा दुर्ग है ना, मतलब पता ही नहीं लगता ऊपर घूम रहे कि ये दुर्ग है, मतलब ऐसा कॉलोनी जैसा लगता है बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं विजय स्तंभ को देखने, क्योंकि हमने वहाँ पे तो देख लिया था, इतना कुछ खास नहीं था लेकिन अच्छा लगा फिर भी। अभी दिखाते हैं आपको, हाँ तो हमारे साथ चलो यहाँ से चल के आप लोगों को विजिट करवाते हैं। ओके लेट्स गो, आ जाओ। फाइनली हम आ गए विजय स्तंभ, तो यहाँ से निकल के और देखो बंदर कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, बस यहाँ एक ही चीज़ है। हाँ ये देखो पूरा दिखता है गाइस यहाँ से, देखो पूरा विजय स्तंभ दिख रहा है और ये बंदर लेके भाग जाएंगे कहीं। तू इधर साइड बोल, हाँ थप्पड़ वगैरह दे लेंगे, नहीं तू मेरे तो दे सकती पर बंदर को नहीं दे सकती, ठीक है ले आ जा भाई। वो देखो खा रहा पता नहीं क्या क्या खा रहा है यहाँ पे बंदर है ना, ये देखो सब दाने खा रहे हैं। और यहाँ से एक बार विजय स्तंभ देखो आप,
फाइनली हम पहुंच गए विजय स्तंभ के पास और वहाँ पे है ना बोलते हैं जुहार हुआ था। तो ये देखो बंदर वगैरह बहुत है, बंदरों से बच के रहना पड़ेगा, अभी बहुत बड़ा है, उधर से घूम के जाना होता है। एक बार चलते हैं विजय स्तंभ के यहाँ पे, यहाँ से देखो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, पब्लिक रहती है, चारों तरफ घूम के देख लो। यार अंदर जाने का भी है पर लेकिन लोग लगा के बंद कर रखा है क्योंकि जाने देते शायद कोई घटना होगी होगी, इसलिए नहीं जाने देते। अब चलते हैं उधर आगे होके, बंदर बहुत ज्यादा हो रहे, देखो वहाँ पे भी बंदर हो रहे, हर जगह बंदर ही बंदर है, ध्यान रखना बंदरों का। हाँ हाँ वहाँ पे फोटो खिंचवाए थे, चले ले आ जा इधर, बंदर काट लेंगे बंदर वगैरह। तो गाइस यहां पे इस जगह रानी पद्मावती ने जौहर किया था अपनी दासियों के साथ, तो ये वही जगह है आप देख सकते हो। ये जब किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी यहां पे है ना लड़ाई लड़ने आया था ना, तब रानी थी ना पद्मावती वगैरह उनके साथ यहां पे जौहर किया था। अभी तो लेकिन ये भर के कम कर दी, अभी चलते हैं वहां आगे भी चलते हैं, चले लेट्स गो चलते हैं। देखो यहां पे ऑपरेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, बच के आना नहीं तो तेरा ऑपरेशन कर देगा ये। हाँ ये देख इसको देख, मोबाइल छुपा ले गाइस, निकलो। हाँ तेरे को इतना डर लग रहा है क्या? छोड़ यार, इसको डर लग रहा है, अरे खाएगा थोड़ी तो तेरे को। हाँ आ जा चलो। अच्छा चलो, हाँ बंदर गए खाऊंगा अगर तो, चलो बगा दिया अंकल जी ने, निकल। आगे नीचे कुंड देखने, और मेरे है भी और दोनों फ्रेंड ऊपर ही बैठे हुए हैं, उनको नीचे नहीं आना था क्योंकि शूज उतारने पड़ते हैं यहाँ पे, और हम गर्ल्स गर्ल्स से आए हैं। चलो चलते हैं, कोई नहीं यहाँ पे लगवा लेते यार। फाइनली नीचे से गोमुख कुंड तो देख के हम आ चुके ऊपर, वो सारे के सारे थक चुके हैं भाई। और यहाँ से देखो एक बार व्यू देखो यार, सब कुछ खंडर होके पड़ा हुआ है। आपको पता है ना खंडर कब हुआ था कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसमें आक्रमण किया था ना, इसमें कई बार आक्रमण हुआ है, तो उस टाइम पे सब कुछ यहाँ पे है ना ध्वस्त कर दिया था, सब खंडर कर दिया, क्योंकि जस्ट सामने यहाँ पे जैसे ये मंदिर ये भी खंडर, और ये सामने है ना तो यहाँ पे जुहार किया था रानी पद्मावती ने, जस्ट सामने दिख रहा है यहाँ पे है ना, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो उस टाइम पे ना सब अलाउद्दीन खिलजी ने सब कुछ खंडर कर दिया था। और यार इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये उस टाइम पे खंडर हुए, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, ये मंदिर था कुछ यहाँ गुमत कुछ था, तो ये भी मतलब खंडित कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें खंडित की, पूरा जो द्रुप था ना तो पूरा ध्वस्त कर दिया था, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब। और ये देखो सामने से ये यहाँ पे विजय स्तंभ है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, इतना मस्त लग रहा है शाम को। और ये मंदिर भी यहाँ पे पूरा ये खंडित कर रखा है, पूरा ध्वस्त कर रखा है, और ये सामने एक गार्डन है, और देखो सबके सब एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी वाइब है यार, मतलब पूछो मत आप लोग, शाम के टाइम तो इतना अच्छा लगता है, हम शाम के टाइम आए और इतना प्यारा, और बहुत सारे यहाँ पे सैलानी वगैरह आते हैं, और देखो क्या मस्त व्यू है यार, जस्ट सामने ये दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे रानी पद्मावती ने जोहार किया था, और रानी पद्मावती के साथ कम से कम 1800 रानियों ने जोहार किया था, तो एक बार इस चीज़ को देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, तो आप लोग पढ़ लो एक बार, ये आप लोग रीड कर लो। तो यार गाइज इस जगह पे रानी पद्मावती ने सन 1303 में 26 अगस्त सन 1303 में इस जगह जोहार किया था, तो ये उस टाइम पे तो कुंड हुआ करता था, तो अभी तो इसको भर रखा है क्योंकि पूरी इसके ऊपर मिट्टी डाल के और इसमें यहाँ पे गार्डन बना दिया है। ये देखो सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने तो हम जब छोटे थे ना तब किताबों में ये चीज़ें पड़ी हुई थी। और यहाँ पे देखो बंदर इतने सारे हैं ना, बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, आप लोग आए तो संभल के आना। और यहाँ पे ये जो मंदिर है ना, ये उसी टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खंडित किया हुआ था, तो अभी भी वैसा का वैसा ही है।
यार यहाँ पे आप लोगों को व्यू दिखाने के चक्कर में सबके सब आगे निकल गए, मैं यहाँ पे रह गया। वहां से रानू भी मेरे को आवाज लगा रही है, तो जल्दी से चलते हैं। देखो चलते, अभी तो गिरते गिरते बचा था मैं यहाँ पे। कितनी सारी भीड़ हो रही है ना, और शाम का व्यू है, रानू रही इधर सामने है, यहाँ पे बंदरों के पास खड़ी हुई है, उसको तो डर लगता है बहुत ज्यादा बंदर। वो देखो सबके पीछे छुप रही है, यहाँ पे सब आना बंदर को दाने वगैरह खिला रहे, तो यार मैं भी जल्दी से बंदर को दाने वगैरह खिला देता हूँ। यार ऐसे खिला दो, कुछ भी नहीं करे। हाँ ले खिला यार, ले अरे नहीं खाए नहीं यार। हाँ अरे ड्रेमत 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 है। तो यार जाते जाते यहाँ पे विजय स्तंभ में है ना अंग्रेज लोग मिल गए हमें, तो देखो रानू भी हाय वगैरह बातें कर रही, फोटो खिंचवाई, राम राम कर रही है। राम राम आता है? अच्छा वीडियो, अच्छा वीडियो नहीं बनाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, जो अंग्रेज थे ना उन्होंने राम राम कर लिया, पर मना कर दिया। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, एक बार बोलो। ये देखो इनको गुस्सा आ रहा है, देख लो यार, ना जो अंग्रेज में थी। तो यार गाइस यहाँ पे तो हमने काफी एंजॉय कर लिया, और अब चलते हैं आगे। और देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है ना, लग रहा है ना ऐसे तो लग ही नहीं रहा कि हम दुर्ग में आए हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कहीं मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ है। और तो हम आ गए यहाँ पे, ये श्री कालिका माता जी मंदिर। तो माता जी के मंदिर में यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर है उस टाइम का, तो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे है ना, एक चीज़ बता दो आप लोगों को, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को जहाँ तक मेरे से होता है ना वहाँ तक ले जाके मैं दर्शन करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये देखो इतना पुराना उस टाइम का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है यार गाइस। तो यहाँ पे देख लो, अंदर तो हम कैमरा नहीं ले जा सकते, और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं, तो यहाँ पे लोग आप लोग दर्शन कर सकते हो, और बाहर से देख सकते हो मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि अंदर जाना अलाउ ही नहीं है कैमरा लेके। तो हमने ना कैमरा, हम दर्शन तो करके आ गए, लेकिन अंदर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, तो हम आ गए बाहर। और यार जैसे मंदिर से बाहर निकले ना, तो इसको तो देखो यहाँ पे चटपटी खाने की चीज़ें मिल गई, यहाँ पे चना जोर गरम, तो देखो ये तो इसको तो लेना ही है। तो यार फाइनली हम ऐसी जगह पहुँच चुके हैं, और ऐसी जगह हम जाने वाले हैं ना जहाँ पे मतलब फर्स्ट बार रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था, तो यहाँ से वो जगह आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं, चले देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है शाम को, तो यहाँ पे भी टिकट चेक करवाना पड़ता है, तो जल्दी से हम सब टिकट चेक करवा लेते हैं, और टिकट चेक करवा के फिर निकलते हैं आगे। तो यार आगे है ना ब्लॉग में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने लायक चीज़ें मिलेगी। और देखो यहाँ पे है ना ये उस टाइम की पुरानी खंडर चीज़ें, पता नहीं क्या है, अब मेरे को तो इतना नहीं पता, जैसे मेरे को दिखता है वैसे आप लोगों को दिखाते हैं। चलते हैं अंदर, हो रहे देखो यहाँ पे, हो सकता है शायद राजा रानी वगैरह, ये पुरानी जेल हो इनकी, पता नहीं क्या क्या चीज है। और देखो ये सब भूल भुलैया सब बना हुआ है, भूल भुलैया भुलैया होगा उनका, पता नहीं। और ये जो साइड में ये जगह दिख रही है ना, यहाँ पे सैनिक वगैरह रहा करते होंगे, और ये कारागार होंगी, मतलब यहाँ पे पैक किया जाता होगा किसी को, कैदी को। और यार ये जो चीजें हैं ना, ये शायद ये जहाँ तक मेरा मानना है, राजा या रानी यहाँ पे आते होंगे ना, तो यहाँ पे दासियाँ बैठ के उनके ऊपर फूल बरसाती होगी, तो वो चीजें है। तो यार गाइस फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे और जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। तो जो सामने दिख रहा है ना, ये रानी पद्मावती का महल था, और यहाँ पे इस जगह पे रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे बैठ के खाना खिलाया था। तो इस जगह अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था, और सामने इधर मिरर था, तो यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था। उसी टाइम पे सामने से मिरर पे अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नियत जो है वो खराब करके और इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने की सोची, और आक्रमण किया। अगर आप लोगों किसी को पता नहीं हो, तो यहाँ पे जो देवानंद हीरो है उसके गाने की शूटिंग हुई थी, कांटो से खींच के, कौन सी जगह, इसी जगह, हां जो वर्ल्ड हुई थी, ध्यान से देखना, इसी जगह यही जगह होगी ना। मैंने दादाजी ने मुझे बताई थी, जब देखो एक बार देखना, हां तो मैं वही से दूंगा। वहाँ पे चलते ना, वो जगह है वो, हाँ यहाँ पे ये जगह है ना, तो चल ये वाली जगह है, ध्यान से देखना वो जो गाना का वीडियो, उसमें देखना ये वाले जगह। चलो सॉरी 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 सॉरी। तो यार गाइस यहाँ पे तो घूमते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, और थक भी चुके हैं हम, तो जल्दी से चलते हैं और जगह। और देखो अभी भी शाम का टाइम है, और कितनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है यहाँ पे। और यार है ना नाइट होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से घूमते हैं और जगह चलते हैं, क्योंकि पूरा तो हम दुर्ग नहीं देख पाएंगे, तो चलते हैं। तब भी थे तो यार हमारी फाइनली ये जो लोकेशन है, लास्ट लोकेशन है, नाइट हो चुकी है, तो ये है कीर्ति स्तंभ। और देखो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का दोनों का सेम एक जैसा लुक आता है, और ये छोटा है, और यहाँ पे पास में मंदिर है। और देखो शाम का टाइम है, सनसेट हो रखा है, कितना प्यारा, और वो सामने जो दिख रहा है ना, तो यहाँ से विजय स्तंभ दिख रहा है, लाइटिंग वगैरह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ का है ना बहुत ही शानदार प्यारा, मतलब बहुत अच्छा व्यू है। तो नाइट हो चुकी है, और हमें बूंदी भी जाना है, तो चलते हैं।
गाइस रात के 10:30 बज चुके हैं और हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं और हमारी ट्रिप से वापस आ गए। बूंदी देखो आपको हमारे रूम दिख ही रहा होगा कि हम बूंदी आ चुके हैं और बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और नींद भी आई, थक चुके हैं। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिकट टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।